हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूं नवोदय विद्यालय समिति का एक पेपर जो कि पीजीटी इतिहास का है और ये हुआ था 11 दिसंबर 2016 को। पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था 2019 में, जो मई में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर मैंने अपलोड किया था, उस पर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि नवोदय विद्यालय समिति से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए, जैसे जैसे मुझे पेपर्स मिलते जाएंगे मैं वीडियो अपलोड करूंगी और मैं कोशिश करती हूं अपने चैनल पर ओरिजिनल पेपर डालने के लिए ही। तो आगे देखते हैं हम पेपर को। फ्रेंड्स, मुझे ओरिजिनल पेपर तो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये ओरिजिनल पेपर से ही है, सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हुआ था नवोदय विद्यालय समिति परीक्षा, तिथि 11 दिसंबर 2016 को। तो इसमें 121 से क्वेश्चन स्टार्टिंग है। इससे पहले जनरल पेपर्स थे जो सभी के होते हैं और ये इतिहास का है, तो इतिहास का ही मैं केवल अपलोड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करके उत्तर दीजिए। तो इसमें सही विकल्प का हमको चयन करना था। तो सबसे पहले दिया हुआ है कथन एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने 1937 में संयुक्त प्रांत के बराबर सीटें जीती। ये गलत होगा और यही हमारा आंसर बनेगा। इसमें सही उत्तर को का चुनाव करना है, तो ये गलत है। फिलहाल तो ये गलत है, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। और जो सही कथन है नंबर टू, मुस्लिम लीग 1937 में कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त प्रांत में साझा सरकार बनाना चाहती थी, ये करेक्ट होगा। फिर कथन तीन है, कांग्रेस के द्वारा जब प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया तो मुस्लिम लीग को लगा कि भारत और भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों को राजनीतिक सत्ता पाना कठिन हो जाएगा। मतलब अविभाजित रहा, विभाजित नहीं होगा तो उसको राजनीतिक सत्ता नहीं मिल पाएगी, ऐसा बोल रहा है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो इसमें आंसर बनेगा वो बन जाएगा, आंसर जो बनेगा वो बनेगा कथन एक और कथन तीन हमारा करेक्ट है और कथन एक जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन मुख्यतः किया था, इसलिए किया था, इसका रीज़न यहाँ पे था, मैक्सेसन मैकडॉल ने कम्युनल अवार्ड नीतियों की घोषणा की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। तो अभिकथन है, ज्योतिबा फूले के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही गैर ब्राह्मणों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत विशेष प्रतिनिधि मिला, ये करेक्ट होगा, यहाँ करेक्ट कर लेते हैं। और रीज़न दे रहा है, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में मुख्तार से यह कहा कि किसी भी जाति में पैदा होने वाले व्यक्ति की अपनी स्वयं की व्यक्तिगत तथा पहचान होती है, ये जो है ये करेक्ट होगा, हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। और जो ए ऑप्शन दिया गया है मैं फिर से पढ़ लेती हूँ, ज्योतिबा फूले के सतत प्रयास के परिणाम स्वरूप ही गैर ब्राह्मणों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत विशेष प्रतिनिधि मिला, ये गलत होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा ए गलत और आर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहली बार भारत में सार्वजनिक रूप से किस स्थान पर उपस्थिति दर्ज कराई। तो यह उपस्थिति दर्ज कराई थी बनारस में। क्वेश्चन नंबर 125, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो इसमें जो दिया गया है,
कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, यानी जितने भी कथन उसमें दिए गए थे सभी के सभी रॉन्ग थे। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल वास्तुकला निम्न में से किन शैलियों का सम्मेलन है? तो यह सम्मेलन थी इस्लामिक, फारसी, तुर्की और हिंदू का। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन मुगल की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दे गया? तो जो लेखा जोखा दिया है वो दिया है गुलबदन बेगम होगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 128, अकबर के शासनकाल में जमीन पर हर साल खेती होती थी और उसे खाली छोड़ा नहीं जाता था, उसे कहते थे पोलच। इसमें आंसर मैं दिखाती हूँ, पोलच कहते थे, ये हो जाएगा पोलच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, सही सुमेलन करना है, तो मैंने इसे पहले ही सुमेलित कर दिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि क्वेश्चन कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये कर दिया है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे ओल्ड पेपर के, मैं अपलोड करती जाऊँगी। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, सही सुमेलन करना है, दीवाने रिसालत, ये धार्मिक मामलों का विभाग था, और दीवान ए कोही कृषि विभाग, दीवाने इंशा पत्राचार विभाग, दीवाने आरिज सैन्य मामलों का विभाग। क्योंकि इसके आंसर भी ध्यान रखने पड़ते हैं कि गलत ना अपलोड हो जाए, एक बार गलत अपलोड हो जाता है तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से किसे महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीपों के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी? तो ये जिम्मेदारी दी थी अलबरूनी ने। फ्रेंड्स, फिर भी मैं ध्यान रखती हूँ कि कोई मिस्टेक नहीं हो, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 131, कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था? तो यह रहता था इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 132, किस यूरोपीय कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने के लिए हुगली में अपना बेस आधार बनाया? तो ये आधार बनाया था, आंसर मैं दिखाती हूँ, पुर्तगालियों ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस में दिल्ली संतलत के वंशजों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपका आ जाएगा गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, इसको क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग एक सूफी संत के पवित्र मकबरे की तीर्थ यात्रा के संदर्भ में किया जाता है? तो यह कहलाता है जियारत। फिर क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा मैं आपको इसमें सूचना दे देती हूँ, खानकाह हो जाएगा, सूफी संतों के रहने के स्थान को कहा जाता था, दरगाह, सूफी संतों को दफनाया जाता था उसे दरगाह कहते थे, सिलसिला, विचारधारा का क्षेत्र आधारित विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय चीनी संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जो सही नहीं है उसे ही हमें पहचानना है, तो इसमें जो सही नहीं था मैंने पहले लिख दिया है, सही नहीं है, मैनेडर ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख लिखवाया, ये सही नहीं होगा। और सही कथन भी हम देख लेते हैं, सही कथन है सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक था मैनेडर, और सही है मिलिंद को नागार्जुन ने बौद्ध धर्म से जोड़ा होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, जोड़ा होगा यहाँ पर। सही है भारतीय यूनानी शासक बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के शुरू करने वाले पहले शासक थे। तो ये तीनों ही कथन सही है, जो सही नहीं है वो होगा मैनेडर ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत में संस्कृत में लंबा अभिलेख लिखवाया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन मूर्तिकला
में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो जो मौर्य काल से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा ये वाला, मथुरा में खड़े बुद्ध। बाकी सभी मौर्य काल से संबंधित हैं। आपका जो रामपुरवा साण शीर स्तंभ है ये भी है, यशपाल वाहक और हाथी धौली होगा यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक है, धौली में हाथी धौली, ये करेक्ट, ये भी संबंधित है। जो नहीं है वो होगा मथुरा में खड़े बुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सही सुमेलन हमें करना है, तो मैंने पहले ही सुमेलित कर दिया है, जन्म कमल से और प्रथम उपदेश धर्म चक्र से, महापरित्याग अश्व से और निर्माण बोधि वृक्ष से। ये बुद्ध से संबंधित चिन्ह है, संकेत थे, उन्हें आपस में हमें सुमेलित करना था। क्वेश्चन नंबर 138, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन इसमें पहचाना है, तो सही कथन हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने सही कथन ही इसमें लिखे हुए हैं, रॉन्ग कथन को रखा ही नहीं है। तो सही कथन है, मैत्रेय बुद्ध की अवधारणा वज्र यानी बौद्ध मत के केंद्र में है, ये करेक्ट है आपका। फिर सही है, वह बुद्ध है जो भविष्य में पृथ्वी पर अवतरित होंगे, ये भी करेक्ट है। और मैत्रेय बुद्ध का जन्म तब होगा जब अधिकांश भौतिक जगत में धर्म को भुला दिया जाएगा, ये भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत कथन है उसको हमें पहचानना है। ए कहता है, संगम साहित्य में इट्टू थो गई क्वेश्चन नंबर 141, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो परीक्षा शामिल नहीं है, और जो शामिल है वह होगा स्वामिनी, दुर्गा और मित्र, ये सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा कथन सही कालक्रम में है? तो सही कालक्रम में जो लगा हुआ है, सबसे पहले आर्य आएगा, फिर मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त, यही क्रम सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें हमें गलत युग्म को पहचानना है, तो इसमें जो गलत है वो होगा लच्छर, अजात शत्रु, अवंती, चंद्र, प्रभोत, महासेन, ये करेक्ट है। फिर मगध, उदयन, ये भी करेक्ट है, और कौशल, प्रसेनजीत, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा लच्छर, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 144, बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसे पहचानना है। इसमें ये वाला सही नहीं है, जाति प्रथा के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है, और जो सही है वो भी कथन मैंने लिखे हुए हैं। दोनों ने एक साधारण तथा विशुद्धवादी जीवन के पक्षधर थे, ये करेक्ट होगा। गौतम बुद्ध, महावीर, दोनों के जन्म से दोनों ही क्षत्रिय थे, और दोनों अहिंसा में विश्वास करते थे, ये सभी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वो होगा, जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण था, जबकि ऐसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे ही पहचानना है इस क्वेश्चन में भी। तो इसमें जो ये वाला है, परिवर्तित मौर्य शासक द्वारा अपनाई गई विजय नीति, ये सही नहीं है। और जो सही है वो होगा अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी अशोक द्वारा संचालित शांति नीति, उन्होंने मौर्य प्रशासन की प्रकृति को केंद्रीकृत कर दिया, ये भी सही होगा। तो लास्ट वाला जो है इसमें वो इनकरेक्ट है, और वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146, जैन परंपरा के अनुसार जैन दर्शन के 23वें तीर्थंकर थे? तो जो 23वें तीर्थंकर थे वो मैं बताती हूँ आपको, वो थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 सुक्त पिटक के अनुसार इसमें कथन दिए गए हैं। ए है जगत नश्वर है तथा सतत परिवर्तनशील है, या भाव सुनने में भी है और एक मिनट इसमें जो है सुनने नहीं होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, भाव शून्य भी है और इसमें कुछ भी स्थाई या शाश्वत नहीं है। ये करेक्ट होगा, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। जगत नश्वर है तथा सतत परिवर्तनशील है, या भाव शून्य भी है और इसमें कुछ भी स्थाई या नश्वर नहीं है। ये करेक्ट होगा। रीजन दे रहा है कठोर तपस्या और आत्मा संलग्नता के बीच सामंजस्य के पथ का अनुकरण करते हुए मनुष्य लौकिक दुखों से पार पा सकता है। ये भी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर जो बनेगा ए आर दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही कथन है वो हमें पहचानना है। इसमें जो सही कथन है वह है वेन सॉन्ग के वर्णन से हर्षवर्धन का के इतिहास का पता चलता है। ये हमारा करेक्ट है। वेन सॉन्ग ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया, ये भी सही है। फाहियान ने भारत यात्रा हर्षवर्धन के काल में की, ये गलत होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा पहला और दूसरा वाला करेक्ट मानेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको हमें पहचानना है। इसमें दिया हुआ है महाभाष पाणिनि पतंजलि, ये गलत होगा, क्रॉस कर लेते हैं। और यही हमारा आंसर भी होगा। मालविका अग्निमित्रम कालिदास का है, ये सही सुमेलित है। फिर प्रियदर्शिका हर्ष, ये भी सही सुमेलित है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, ये भी करेक्ट होगा। तो महाभाष पतंजलि हो पाणिनि और अष्टाध्यायी नहीं होगा इसमें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको मैंने व्यवस्थित कर दिया है। सबसे पहले रामायण, फिर मनुस्मृति, फिर चरक संहिता और लास्ट में कुमार संभव, ये क्रम इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 151 कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन नवोदय विद्यालय ने कैंसिल कर दिया था क्योंकि और इसमें सभी को एक एक नंबर दे दिए थे, तो मैं इसे नहीं पढ़ती हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 निम्न में से किस स्थान पर माना जाता है कि हर्ष ने दो महान सम्मेलन किए थे? तो हुआ था कन्नौज और प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 153 आदि शंकराचार्य के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आदि शंकराचार्य के विषय में जो सही नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो सबसे पहला कथन दे रहा है कि आदि शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता था, ये करेक्ट होगा। फिर आदि शंकराचार्य ने वेदों को वार्षिक ज्ञान वास्तविक सॉरी होगा यहाँ पे वार्षिक की जगह वास्तविक होगा वास्तविक ज्ञान का मूल स्रोत माना, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। वास्तविक होगा तो इसमें मूल ज्ञान माना, ये करेक्ट होगा हमारा। फिर उसके बाद है आदि शंकराचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, ये गलत होगा। आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1788 ईस्वी में, कलाड़ी वर्तमान केरल में स्थित है, वहाँ पर इनके दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 निम्नलिखित सूफी संतों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने इससे पहले ही व्यवस्थित कर दिया है। सबसे पहले आ जाएंगे ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, और फिर थ्री नंबर पर मीर सैयद गेसू दराज, और सबसे लास्ट में शेख अहमद सरहिंदी। और डेट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, सही सुमेलन कुतुबुद्दीन ऐबक का हो जाएगा कुवत उल इस्लाम मस्जिद, फिर इल्तुतमिश का अढ़ाईद्दीन का झोपड़ा, अलाउद्दीन खिलजी जैमत खान मस्जिद और सिकंदर लोडी हो जाएंगे मोठ मस्जिद से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। तो इसको मैंने व्यवस्थित कर दिया है। सबसे पहले आएंगे उड़ीसा के गजपति सम्राट की स्थापना 1434 में हुई, फिर दूसरे नंबर पर आ जाएंगे बीजापुर सुल्तान की स्थापना 1490 में, गोवा पर पुर्तगाली विजय 1510 में, और चार आ जाएगा गोलकुंडा सुल्तान की स्थापना 1518 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 157 है, दिल्ली सल्तनत को सामयिक रूप से 1206 से 1226 ईस्वी के 320 वर्ष के काल में कहा जाता है, इस काल के अंतर्गत माना जाता है। इसी दौरान दिल्ली का शासन 5 वर्षों के लोगों ने किया। इन वंशों होगा को काल क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इस ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले गुलाम वंश या मामलुक वंश कहलाते थे वो आ जाएगा, जो कि 1206 से 1290 तक था। फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526 तक, और 26 में ही पानीपत का युद्ध हुआ और वहीं से लोधी वंश की समाप्ति हो गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158, तुंगभद्र नदी निम्न में से किन राज्यों को सहारा प्रदान करती है? तो यह दक्षिण भारत की है या विजयनगर को सहारा देती है। विजयनगर राज्य दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1336 में ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से कौन अकबर के दरबार का एक महान संगीतज्ञ था? तो ये महान संगीतज्ञ थे तानसेन, इनका अन्य नाम भी था, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं दूसरे पेज पर दिखाती हूँ आपको। तो महान संगीतज्ञ थे तानसेन, उनका अन्य जो नाम था वह था मियाँ तानसेन, राम तनु पांडे भी इनको कहा जाता था। इनका जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था, मृत्यु 1589 आगरा में हुआ। इनके गुरु थे स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 160, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए पहले विकल्प हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो दिया है नंबर वन पे, धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की विपासा का परिणाम इबादत खाना में आस्था और परिसंवाद हो गया। मतलब इबादत खाना की स्थापना उसकी जो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, इसकी वजह से उसने इबादत खाना की स्थापना की। ये करेक्ट होगा हमारा। फिर टू नंबर पे है, अकबर के धार्मिक विचार परिपक्व हो गए क्योंकि उसे विभिन्न मतों के विद्वानों से प्रश्न करने तथा उन्हें सुनने उसके सिद्धांतों के विषय में जानने का अवसर मिला। ये भी हमारा करेक्ट होगा। फिर थ्री नंबर है, रूढ़िवादी धार्मिक विचारों से तेजी से दूर होता चला गया और सूर्य एवं प्रकाश पर केंद्रित देवी शक्ति की पूजा के लिए स्वयं को कायल हो गया। ये भी करेक्ट होगा। तो इसमें हमारे जो तीनों ही कथन दिए गए हैं वो सभी करेक्ट होंगे। और इसके बारे में एक्स्ट्रा में आप ये जान सकते हैं कि अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। इसका उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के माध्यम से सत्य की जांच करना तथा वास्तविकता का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161, मुगल नीति के तत्व की पहचान करें। तो मुगल नीति के जो तत्व थे वो ही मैंने ऐड किए हैं, राज्य मंत्री शासन व्यवस्था और जो राज्य मंत्री कहिए या राजतंत्रीय व्यवस्था कहिए वो शामिल था। फिर वंशवादी शासन भी शामिल था, जागीरदारी शासन भी इसमें शामिल था। क्वेश्चन नंबर 162, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत कौन
सा सही नहीं है, जो सही नहीं है उसे ही हमें पहचानना है। सबसे पहले दे रहा है, इसमें मैंने लिख भी दिया है, सही नहीं है। अकबर के शासनकाल में सिकंदरी गज के मापन की सुनिश्चित इकाई माना गया, ये सही नहीं है और यही हमारा आंसर बनेगा। फिर जो सही है, अकबर के शासनकाल में एक तिहाई मैसूर शासकीय राजस्व के अंतर्गत जाता था, ये हमारा करेक्ट होगा। सही है, 10 साला व्यवस्था में किसानों की समस्याओं को अत्यधिक बढ़ा दिया था, ये भी करेक्ट होगा। और सही है, पैमाइश के लिए तेनाब होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तेनाब कही जाने वाली रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था, ये भी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163, भारत की यात्रा करके जाने वाले विभिन्न दस्तावेज लेखक यात्रियों का काल क्रम अनुसार संयोजन करें, तो इसको क्रम में लगाना था, मैंने इसे क्रम में ही कर दिया है। सबसे पहले हो जाएंगे मोहम्मद इब्न अहमद अबुल रेहान अल बरूनी, फिर दो नंबर पर आ जाएंगे अब्दुल रज्जाक कलम अल्दीन इब्ने इशक अल समरकंदी, फिर 3 नंबर पर आ जाएंगे इब्न बतूता और 4 नंबर पर महमूद वली बल्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 अभी कथन और तर्क का क्वेश्चन है, ये यहाँ से इसका अब कथन है। तो मुगलकालीन वास्तुकला शाहजहां के शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई थी, ये हमारा करेक्ट है बिल्कुल। फिर तक दे रहा है, दिल्ली की जामा मस्जिद तथा लाहौर का शालीमार बाग और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया, ये भी करेक्ट है और इसकी सही व्याख्या भी दे रहा है। तो हमारा जो आंसर बनेगा ये यार दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 165 सही सुमेलित करिए, तो सही सुमेलित कर लेते हैं, पुर्तगाली पणजी 1510, डच मुसलीपट्टम 1605 में और ब्रिटिश मद्रास 1639 और फ्रांसीसी पांडिचेरी 1673। फिर क्वेश्चन नंबर 166, किस शासक ने 1857 में विद्रोह आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था, तो ये थे नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया था अंग्रेजों ने। फिर क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित कथनों में से भारत में रेल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है उसे पहचानना है, तो इसमें मैंने लिख दिया है गलत है, ये वाला ही कथन गलत है। 6 अप्रैल 1853 में पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने चली थी, ये गलत होगा। आगे हम सही कथन देख लेते हैं, जो सही है वो मैंने नोट कर दिए हैं, भारत में पहला संचालित रेल मार्ग रेड हिल रोड था जो 1836 में बना था, ये हमारा सही होगा, हम करेक्ट कर देते हैं। फिर सही है, राजमुंदरी के निकट 1845 में निर्माण सामग्री को ढोने के लिए बना संचालित रेल मार्ग, ये भी करेक्ट होगा। और सही है, 15 अगस्त 1854 में हावड़ा से हुगली के लिए एक सवारी गाड़ी चली थी, ये भी हमारा करेक्ट होगा। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, हुगली होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168, 18वीं सदी में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयत वाड़ी व्यवस्था लागू की थी, तो यह व्यवस्था लागू हुई थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 169, निम्न में से किस समाज सुधारक ने 19वीं सदी में भारत में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, तो ये किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। क्वेश्चन नंबर 170, 1857 विद्रोह से संबंधित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करिए, तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं, ये मैंने पहले ही आपके लिए व्यवस्थित कर दिया है। सबसे पहले हो जाएगा अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह कर देते हैं, फिर 2 नंबर पे आएगा हेनरी लॉरेंस चिनहट की लड़ाई में मौलवी अब्दुल्ला से पराजित हो जाते हैं, फिर 3 नंबर पर आजमगढ़ उद्घोषणा और 4 नंबर पे आ जाएगा जेम्स आउट्रम और हेनरी हैवलॉक लखनऊ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 173, निम्न में से कौन सा अधिनियम था जिसने लोगों की भावनाओं को इस तरह भड़काया जिसके परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो यह था रोलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 171, गदर था भारतीयों का एक क्रांतिकारी संगठन जिसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 174, इसमें अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन आ गया है। अभिकथन है, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले ली। ये करेक्ट है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। फिर बोल रहा है, तर्क दे रहा है, मुस्लिम लीग 1946 में संगठित अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। ये भी करेक्ट है, लेकिन ये व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा ए आर दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित कथनों में से अंबेडकर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसकी पहचान करनी है, मैंने यहाँ राइट भी किया है, ये सही नहीं है। उनका जन्म महाराष्ट्र में महार जाति में हुआ था, और जो सही कथन है वो है वह भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और सही है वह नेहरू मंत्रिमंडल में विधि मंत्री थे। सही है, उनको 1990 में भारत रत्न मिला था। ये सभी करेक्ट होंगे, ये भी करेक्ट है, ये और ये। जो सही नहीं है वही हमारा आंसर बनेगा, यानी ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176, ये भी अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। तो अभिकथन है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में रोमन सम्राट के राजनीतिक इतिहास में सम्राट, कुलीन तंत्र तथा सेना तीन घटक थे। तो ये हमारा तीन घटक थे, करेक्ट है। फिर तर्क दे रहा है, शासकों की असफलता से सेना पर उनके नियंत्रण और सेना की विभाजित होने पर निर्भर करती थी। ये भी हमारा करेक्ट होगा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा ए आर दोनों ही करेक्ट है और उसकी सही व्याख्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें सही सुमेलित करना था, मैंने सुमेलित कर दिया है पहले ही। कानून के शासन की अवधारणा ब्रिटेन संविधान से, मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिकी संविधान से, राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड संविधान से लिया गया है, और स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 178, यूरोपीय नवजागरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसकी पहचान करनी है, इसमें ये सही नहीं है। फ्रांसिस्को बारदोश के दी पेंटिंग पेइंग हैंड, प्रार्थना रत हाथ चित्र बनाया, यही गलत है। और जो सही है वो होगा, लियोनार्डो द विंसी ने मोनालिसा तथा द लास्ट सपर पेंटिंग बनाई, और सही है माइकल एंजेलो बोना डोम ऑफसेट पीटर चर्च चित्र बनाया, और सही है फ्लैपो ब्रो सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये फ्लिपो होगा, फ्लिपो ब्रूनेंची ने ड्यूमो ऑफ फ्लोरेंस चित्र बनाया। तो ये सभी सही होंगे, जो सही नहीं है वो होगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 179, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो मैं आपको बता देती हूँ, लियोनार्डो दा विंसी के वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना से लेकर गणित और कला सभी के प्रति गहरी रुचि रखते थे, ये हमारा सही कथन है। फिर वे प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग के रचनाकार थे, ये भी हमारा करेक्ट होगा, और उन्होंने स्वयं को प्रयोग का शिष्य कहा था, ये भी सही होगा। तो ये सारे कथन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 180, चंगेज खां की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने उसके विस्तृत साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर अधिकार प्राप्त कर लिया, सही सुमेलित करिए, चोची रूस का घास का मैदान, चगताई पैरवी माउंटेन क्षेत्र, हैग हेड एग्रो ये होगा,
इसमें जो होगा चगताई पैरवी माउंटेन क्षेत्र हो जाएगा और आगो देई ये हो जाएगा कोरम के क्षेत्र में टोला मंगोलिया के, और ये बीच में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो इसमें मैंने हटा दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181। 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मोनोरियल जागीरदार राज्य की सही विशेषताओं को दिए गए कथन से सुमेलित कर के सही विकल्प का चयन करिए। तो सही है, जो सही है वो मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले राजा के पास उसका अपना जागीर भवन था, ये करेक्ट होगा। सही है, एक छोटे से जागीर राज्य में दर्जनों परिवार रह सकते थे, ये भी सही है। छोटे राज्य सामंतों के परिवार में रहने के लिए बड़े महल बनाए थे, ये भी करेक्ट होगा हमारा। इसमें जो भी कथन दिए गए हैं वो सारे के सारे हमारे करेक्ट हैं, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। निम्न में से किसने कहा हमारी व्यवस्था बहुत कुछ सोचते, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सोचते की तरह काम करती है, जो गंगा के किनारे से भी अच्छी चीज़ें लाकर थेम्स के तट पर डाल देती है। तो ये कथन था जॉन सर्वन का। फिर क्वेश्चन नंबर 183, इसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, मैंने कालक्रम में इसे व्यवस्थित कर दिया है। सबसे पहले आ जाएगा ऑटोमन तुर्क ने कॉन्स्टिनोपल के वेजेटाइन शासक को हराया था। फिर नंबर 2 है गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबल का मुद्रण। फिर 3 नंबर पर कोलंबस का अमेरिका पहुंचना और 4 नंबर पर लियोनार्डो दा विंसी ने द लास्ट सपर पेंटिंग बनाई। इस तरह से आप क्रम में लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 184, यहाँ पे कथन और तर्क का क्वेश्चन है, तो चलिए कथन और तर्क देख लेते हैं। सबसे पहले अभिकथन है, मंगोल ने अंतर महाद्वीप साम्राज्य चंगेज खां के नेतृत्व में 13वीं और 14वीं शताब्दी में स्थापित कर लिया, ये हमारा करेक्ट होगा। फिर तर्क दे रहा है, उस महान खान की सैनिक उपलब्धियां आश्चर्यकारी थी तथा वे सैन्य रणनीति में नवोमेश करने की उसकी योग्यता का परिणाम था, ये भी हमारा करेक्ट होगा। और इसकी सही व्याख्या भी दे रहा है, तो हमारा आंसर बनेगा यार दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 185, कालिदास की संस्कृत नाटक में स्त्री और शुद्ध चरित्र की भाषा में बोलते हैं, तो उनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 186, इसमें दिया गया है कि सामंत के संदर्भ में निम्न में से किसे उस समाज के यूरोप की मूल विशेषता माना जाता है। तो जो विशेषता माना जाता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कृषि, यहाँ से स्टार्ट है, कृषि उत्पादन स्वामी एवं किसानों के बीच सामंती संबंधों पर आधारित था। फिर इसके बाद सही है, पुरोहित ने स्वयं को पहले स्थान पर और कुलीनों को दूसरे स्थान पर रखा, ये भी सही है। फिर तीसरा दे रहा है, राजनीति व्यवस्था स्वामी तथा अधीनस्थों के बीच स्वामी सेवक संबंधों पर निर्भर था। तो इसमें जो भी कथन दिए गए हैं वो सारे के सारे इसमें करेक्ट हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187, निम्न में से किस प्रकार के जोहान्स गुटेनबर्ग के अनुसंधान को क्रांतिकारी माना जाता है। तो यह था, इसने बौद्धिक आंदोलन को प्रोत्साहित किया, इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 188, अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है, अभिकथन है, यहाँ से अभिकथन दिया हुआ है, ब्रिटेन आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव प्राप्त करने वाला पहला देश था, करेक्ट है। फिर तर्क दे रहा है, राज्य में समान कानून एवं एक ही मुद्रा थी, सही है, ये भी सही है, यहाँ तक है। तो इसमें जो कथन है वो दोनों ही सही है, उसकी व्याख्या भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 189, प्रोटेस्टेंट सुधार तथा नवजागरण समान थे क्योंकि इसका आंसर होगा, अन्वेषण की भावना को जगाया। फिर क्वेश्चन नंबर 190, निम्न में से किस स्थान पर वर्तमान काल में 8000 से 10000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष
मिले तो ये मिले थे इसराइल के गफ गफ जेहाल कपाल में। और क्वेश्चन नंबर 191, प्राचीन मेसोपोटामिया में लेखन शुरू हुआ, तो लेखन शुरू हुआ था जब समाज को अनुवाद की अभिलेख रखने की आवश्यकता हुई थी, जब इसकी आवश्यकता अनुभव हुई तभी इसका शुरुआत हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 192, रोमन परिप्रेक्ष्य में निकट पूर्व का संदर्भ, तो ये था भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 192, रोमन परिप्रेक्ष्य में निकट पूर्व, ये तो बता चुकी हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 194, सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसकी पहचान हमें इसमें करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। उलेमा उलेमा दिए हुए हैं धार्मिक विद्वान और सॉरी रसूल दैनिक प्रार्थना, ये गलत होगा यहाँ पर, टू नंबर वाला। इल्म कुरान से प्राप्त ज्ञान, और सुन्नी होगा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुन्नी पैगंबर की आधुनिक व्यवहार से होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, फ्यूडलिज्म शब्द की उत्पत्ति ऐसी FEUD फ्यूड से हुई है, जो एक है जर्मन शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर 196, यूरोपियों की समुद्र की यात्राओं के विषय में कौन सा कथन सही है, तो वो कथन दिखाती हूँ मैं। मैजल ने 1532 में भूमंडल की खोज की, ये कथन सही होगा। और उसके बाद 197, यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का संदर्भ है इसके बीच में, तो 5वीं तथा 15वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 198, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन में निम्न में से किस स्थान पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया, या पारित किया गया कराची में। और क्वेश्चन नंबर 199, विनोबा भावे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो पहला वाला ही है, मैंने यहाँ लिखा भी है। वह सत्याग्रह पत्रिका के संस्थापक थे, ऐसा नहीं था। और सही है, वो सर्वोदय आंदोलन के एक नेता थे, ये करेक्ट होगा। भूदान आंदोलन के प्रख्यात थे, ये भी सही होगा। उन्होंने रोमन मैग्सेसेस पुरस्कार मिला था, ये भी करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 200, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा व्यक्ति गदर आंदोलन से जुड़ा नहीं था, तो भगत सिंह नहीं जुड़े थे, बाकी सभी जुड़े थे, लाला हरदयाल भी जुड़े थे, सोहन सिंह भाखना भी जुड़े थे, और मैडम भीखाजी कामा भी जुड़ी थी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपके मोबाइल पर मिल जाए। यहाँ पर मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी, सृष्टि जी और सतपाल सिंह, उन्होंने मुझे कमेंट किया था ये सब इस तरह के वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने इसीलिए इस तरह के वीडियो बनाने की शुरुआत की। नहीं तो अभी तक मैं नेट पर ही काम कर रही थी, नेट के ओल्ड पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो होते हैं उसके भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब अगर वीडियो आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।